शास्त्रीय संगीत का परिचय यही है हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य। इसी श्रृंखला में आज हम जानकारी लेंगे राग तोड़ी की और इसी पर मार्गदर्शन करेंगे विजय जी कोपरकर। विजय जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप हमें ये बताइए कि शास्त्र जो कहता है संज्ञाएं आरोह और अवरोह, ये क्या होती है? और इसी श्रृंखला को आगे लेते हुए हम ये भी जान लेंगे कि राग तोड़ी के आरोह और अवरोह क्या है। तोड़ी राग का जो आरोह अवरोह है, वो खाली आरोह और अवरोह, इसे हम राग की पूरी जानकारी नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हम राग की पकड़ बोलते हैं। तो पहले मैं तोड़ी राग का आरोह अवरोह बोलता हूँ और बाद में उसके पकड़ और जो बेसिक सुर है जिसके ऊपर वो पूरा ऋषभ धैवत है तोड़ी का कि वो इम्पोर्टेंट है उसमें, तो मैं ये दोनों चीजें आपको गा के दिखाता हूँ। जरूर। हे गरे गरे सारे खाली आरोह आरोह सारे जैसे आपने बताया कि इसके जो दो प्रमुख सुर हैं ऋषभ धैवता, तो इन्हें वादी समाधि कहेंगे। हाँ, ऋषभ और धैवत, ये दोनों वादी और समाधि है, वो प्रधान सुर है दोनों, जिसमें हम न्यास कर सकते हैं। और इसको पूरा इम्पोर्टेंस है ऋषभ धैवत को, बाकी के सुर भी है, पंचम है, गंधार है, निषाद है, लेकिन धैवत ऋषभ ये प्रधान और राजा जैसे। इसमें राजा कौन है और प्रधान कौन है? ऋषभ, ऋषभ इज द ऋषभ राजा है। अच्छा, ये वादी सुर है। हाँ, वादी सुर। इसका समय कौन सा बताया जाता है? समय तो प्रातः काल है, सुबह ही ये गाया जाता है तोड़ी राग, और उसका गंभीर प्रकृति का राग है। सुबह का कौन सा प्रहर या कौन सा? सुबह का पहला प्रहर बोलते हैं, पहले प्रहर में ही गा सकते। यानी कितने बजे से कितने बजे तक? ने 6 बजने के बाद। अच्छा, 6 से पहले नहीं। आप सीक्वेंस बोलेंगे तो पहले ललत होता है, भटियार होता है, उसके बाद में तोड़ी आता है, 6 बजे के बाद तोड़ी आता है। कहा जाता है कि तोड़ी ये महफिल में ज्यादा गाते हैं लोग। हाँ, हाँ। तो जब महफिल की शुरुआत होती है, राग का विस्तार जो होता है, हाँ, हाँ। उसके बाद हम गाते हैं ख्याल, जिसे बड़ा ख्याल कहते हैं, विलंबित में गाया जाता है वो। नहीं, बेसिकली तोड़ी ये बड़ा राग है जी, यानी उसमें सब सुर को इम्पोर्टेंस है। आप कहीं भी उसके रुक जाएंगे तो भी राग का कोई इधर उधर हो नहीं सकता। अच्छा। इसलिए बड़ा राग है और उसमें ख्याल ज्यादातर पहले ख्याल से शुरुआत होती है, जिसमें कम लय में, विलंब पद में, विलंबित एक ताल में या झुमरा में उसकी शुरुआत होती है और पूरा उसका आलापी के साथ वो पूरा राग हम पेश कर सकते हैं। अच्छा। उसकी बढ़त करके सामने रखते हैं। तो एक सुनाएंगे आप? हाँ, मैं मध्य लय तीन ताल की एक बंदिश जिसकी लय थोड़ी आगे है, ख्याल जैसी नहीं है लेकिन आगे वाली है। अब मोरी नया पार करो रे, अब मोरी नया पार करो रे, अब मोरी नया पार करो रे, हजरत निजाम दे निजाम देन
Bye.
पहले आपने बताया था कि विलंबित लय से राग विस्तार होता है, बाद में मध्य लय में हम प्रवेश करते हैं, और जो अंत होता है हमेशा वो द्रुत लय में होता है, यानी कि विलंबित, मध्य और द्रुत लय। ये जो तीन प्रकार के लय, इनका वैशिष्ट्य क्या है? जब भी हम राग पेश करने को चालू करते हैं, तभी हमारा उद्देश्य यही रहता है कि वो राग के सुर और उसके स्वर भाव उसको पहले एस्टेब्लिश करें। इसलिए हमारा पहला जो मकसद होता है वो विलंबित लय में उसको सुर को पूरा न्याय देके उसको राग को रागांग और थोड़ा सा लय के साथ उसको पेश करते हैं हम। और जब भी ये आलापी पूरी होती है, राग पूरा एस्टेब्लिश होता है, तब हम उसकी लय बढ़ाते हैं। समझो दूसरी बंदिश नहीं ली तो उसको मध्य लय के आसपास उसमें हम बोल अंग करते हैं, जो बोल दिए है उसका इस्तेमाल करते हैं, और लय के हिसाब से सरगम, और उसके बाद और भी बढ़ा के यानी द्रुत बंदिश लेके उसको ताना के साथ, तानों के साथ, और बोल अंग में बोल तान बोलते हैं हम उसको। सरगम, सरगम भी ऐसी होती है कि वो तानों जैसी होती है, तानों की सरगम बनती है, तो उसी लय में वो यानी पहले शुरुआत से वो जब पीक तक जाता है तो तब तक द्रुत बंदिश का हम चरम सीमा तक पहुंचता है। जी, अक्सर महफिलों में मध्य लय हो या विलंबित हो, उसके बाद एक द्रुत कोई बंदिश गाई जाती है, तो कोई सुनाए आप? बिल्कुल। लंगर का करिए जिन मारो, लंगर का करिए जिन मारो, लंगर का करिए जिन मारो, लंगर का, लंगर का करिए जिन मारो, मोर अंगवा लग जाए, लंगर का करिए जिन मारो, लंगर का। सुन पावे मोरी सासन दिया, सुन पावे मोरी सासन दिया, दौर दौर कर लगर का करिए जिन मारो, लगर का लगर का धरवानी धरसानी धरी करनी धरे धरी धरी रवानी धरी धरे धरी धरी नगर लगर का। सुन पावे मोर सासन न दिया, सुन पावे मोरी सासन न दिया, सुन पावे मोरी सासन न दिया। तो द्रुत के बाद भी कुछ और अंग है लय का? नहीं, द्रुत के बाद समझो हम तराना किया तो जैसे अपना सतार में बजता है तंत्र का, तो उसी ढंग से हम धीर धीर तन कर सकते हैं।
तो नहीं तो उसके पहले जो लय है वहाँ तक हम पेश अच्छा। करते हैं। अच्छा, एक सवाल था दिमाग में कि तराने में हाँ। वैसे तो जिसे इंटेलिजिबल वर्ड्स कहेंगे हाँ। वो तो नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं। वो नहीं पाया जाता हाँ। फिर भी तराना लोकप्रिय क्यों है और क्यों गाते हैं इतने सालों से? नहीं, शास्त्रीय संगीत में हम तो ज़्यादा भाव जो मानते स्वर भाव, यानी शब्दों से भी ज़्यादा हम स्वर को, और स्वर का ही भाव होता है उसी राग के हिसाब से जी। और जब भी शब्द है तो उसका भी साहित्य का जो है रस भाव है वो आएगा। इसलिए जब भी तराना है तो हम ज़्यादा उसको धीर धीर तना यानी तबले के बोल, लेकिन वो लय का ज़्यादा हम उसमें प्रयोग करते हैं कि लय का ज़्यादा प्रयोग करके उसके जो जितने बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो करके हम पेश करने को हमारा कोशिश रहती है। हाँ जी, तो तराना कोई तो एक द्रुत एक ताल में तराना है वो मैं पेश करता हूँ। दीम ता दीम ता दीम ता ना ना दे रे ना ता ना ता ना दे रे ना दीम ता दीम ता दीम ता ना ना दे रे ना ता ना ना ता ना दे रे ना दीम ता दीम ता दीम ता ना ना दे रे ना ता ना ना ता ना दे रे 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 ना दीर दी ता नो दीम ता नो ता ना दे रे ना दीम ता दीम ता दीम ता ना ना दे रे ना ता ना ना ता ना दे रे ना दीम ता दीम ता दीम ता ना ना दे रे ना। दीम ता दीम तो ता ना रे दीम ता दीम तो ता ना रे tanare dirtadani dirtare dani dirtadani dirtare dani tarim dim tanana tanadere daratana dere tanadere tanadim tanu tanadere na dim tadim tanana dere na tanana tanadere na dim tadim Thank you.
सौ साल से हमारा ये इतिहास है, हमारी परंपरा है कि महाराष्ट्र में खास तौर पे, जी हाँ, ये परंपरा रही है कि संगीत नाटक के तौर पर ये जो शास्त्रीय संगीत था इसे ज्यादा से ज्यादा समाजाभिमुख बनाने की कोशिश हमेशा हमने की है, हमारे संगीतकारों ने की है, हमारे अभिनेताओं ने भी की है। तो नाट्य संगीत की जब हमने बात छेड़ी है तो इसी सिलसिले में नाट्य संगीत हम, जी हाँ, मराठी में, मराठी ड्रामा में एक तोड़ी राग का बहुत अच्छा नाट्य गीत, हम उसको मराठी में नाट्य गीत बोलते हैं, तो दैट इज ए सॉन्ग इन ड्रामा, ड्रामा में जो गीत होता है जी, उसे हम नाट्य संगीत तोड़ी में लिया है जी। तो सो हम हर डमरू बाजे उसके बोल है, तो वो मैं पेश करता हूँ जी। तो इन्हीं सुरों के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन भी करें। झूले पर घूम रहे सरिता सर